गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। पर्यटन नगरी मनाली धर्मशाला से अच्छी शिमला की हवा, दौड़े आ रहे सैलानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हवा मनाली और धर्मशाला से भी अच्छी है, इसलिए पर्यटक भी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। पिछले कल शिमला में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 24 रहा, तो मनाली में यह 45 और धर्मशाला में 52 मापा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में बद्दी की हवा सबसे ज्यादा दूषित है, यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 163 पहुंच गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में तो यह 400 से ऊपर चला गया है, दिवाली में तो यह इससे भी ऊपर चढ़ेगा। बता दें, दिल्ली सहित देश के अन्य क्षेत्रों में जहां लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, वहीं यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की बात है। वहीं बरसात में भारी बारिश से आपदा के बाद यहां पर्यटन कारोबार चौपट हो गया था, अब इससे फिर इस व्यवसाय को गति मिल सकती है। वहीं मैदानों में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हिमाचल की राजधानी में ग्रीन फीस की ऑनलाइन वसूली की तैयारी, नहीं लगेंगे बैरियर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बाहरी राज्यों के वाहनों से सड़कों पर बैरियर लगाकर ग्रीन फीस वसूली नहीं की जाएगी। NHAI से बैरियर लगाने की मंजूरी न मिलने पर नगर निगम अब ग्रीन फीस वसूली की ऑनलाइन व्यवसाय करने जा रहा है। इसके लिए एक निजी कंपनी से बातचीत चल रही है, कंपनी के साथ निगम की एक बैठक भी हो चुकी है। वहीं कंपनी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निगम को बिना बैरियर लगाए बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन फीस की वसूली के बारे में बताया। निगम ने कंपनी को इस बारे में विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, वहीं जल्द ही कंपनी दूसरी प्रेजेंटेशन देगी। NIT हमीरपुर में फिर नशे में पहुंचे 6 विद्यार्थी हिरासत में। हिमाचल प्रदेश के NIT हमीरपुर में पिछले कल फिर नशे में कुछ प्रशिक्षुओं ने संस्थान में प्रवेश किया है, इनमें एक छात्र और 5 छात्र शामिल हैं। सूचना मिलने पर NIT के निदेशक और रजिस्ट्रार मौके पर पहुंचे। संस्थान की अनुशासन समिति ने मामला गंभीर होने पर सदर पुलिस थाना हमीरपुर में सूचना दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस संस्थान में पहुंची और सभी प्रशिक्षुओं को हिरासत में ले लिया है। NIT हमीरपुर की रजिस्ट्रार डॉक्टर अर्चना नानोटी ने बताया कि 6 प्रशिक्षुओं को पुलिस के सुपर्द कर दिया है। उधर SP आकृति शर्मा ने बताया कि उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम दीपावली पर चलाएगा 174 स्पेशल बसें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम दिवाली पर 174 स्पेशल बसों का संचालन करेगा। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि दिवाली पर घर आने और दिवाली के बाद वापस लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए इन बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं निगम की बसें 10 और 11 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलाई जाएंगी। वहीं दिवाली के चलते 10 नवंबर को 92 अतिरिक्त बसें और 11 नवंबर को 82 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी अगर बसों में बुकिंग ज़्यादा होती है तो बसों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक, ब्लॉक ड्रग पार्क के लिए 122 करोड़ स्वीकृत। राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क को क्रियाशील करने में जुट गई है। इसके लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए 122 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस राशि से पानी एवं सड़क उपलब्ध करवाने के अलावा प्रशासनिक ब्लॉकों को स्थापित किया जाएगा, साथ ही पर्यावरण क्लियरेंस से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। वहीं वन एवं पर्यावरण संबंधी मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्रालय के साथ 10 नवंबर को बैठक होगी। ब्लॉक ड्रग पार्क के प्रशासनिक ब्लॉक पंजवाला में जलापूर्ति से जुड़े विषय भी चर्चा के लिए आया। इसमें बताया गया कि 175 एकड़ क्षेत्र में टाउनशिप व संस्थान को बनाया जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग 1.90 MLD पानी उपलब्ध करवाएगा, जिस पर 10.60 करोड़ रुपए व्यय होंगे। विभाग की तरफ से भूमिगत जल सहित इससे संबंध कार्य के लिए 11.75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले हिमाचल में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हुई हैं।
कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां दी हैं। उन्होंने तंज कसा कि जिस पार्टी की अपनी गारंटी नहीं, उसकी गारंटियों का अनुमान स्वयं ही लगाया जा सकता है। शिमला में जारी बयान में अनुराग ने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने लोगों को रिझाने के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे। वायदों की लिस्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को 5 लाख नौकरी का वायदा किया था, जो नहीं दिया गया। माता बहनों को प्रति माह 1500 रुपये देने का वायदा किया था, अभी तक एक भी माता बहन को यह पैसा नहीं मिला। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था, इसके विपरीत हिमाचल वासियों के बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अस्पतालों के हिमकेयर में फंसे 200 करोड़ सरकार से राशि मिलने का इंतजार, रोगियों को नहीं मिल रहा फ्री इलाज। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत इम्पैनल्ड अस्पतालों को अभी तक लंबित राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान करने के लिए विभाग सरकार से अनुमति मिलने के इंतजार में है। सरकार की ओर से अभी तक लंबित राशि के भुगतान को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह सरकार से अनुमति मिल सकती है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद विभाग द्वारा अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाएगा। ऊना में स्कूल प्रधानाचार्य सहित 12 शिक्षकों की डिग्रियों पर संदेह, जांच के लिए भेजी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक स्कूल प्रधानाचार्य सहित एक दर्जन पूर्व सैनिकों की फर्जी डिग्री का पर्दाफाश होने के बाद जिला शिक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में 12 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं इसमें पहली से आठवीं कक्षा को पढ़ाने वाले 8 और 4 शिक्षक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें शारीरिक शिक्षक ज़्यादा हैं। इनके प्रमाण पत्रों को जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों में भेजा गया है। रिपोर्ट एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। ठेकेदारों ने सरकार को दी ठेके बंद करने की चेतावनी, एक्साइज फीस में मांगी राहत। हिमाचल में शराब से जुड़े कारोबारियों ने घाटे को लेकर सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर ठेके बंद करके उसकी चाबियां एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग को सौंपने की चेतावनी दे दी है। पिछले कल पूरे प्रदेश से शराब के ठेकेदार एक्साइज विभाग पहुंचे और कमिश्नर से मिले। उन्होंने लाइसेंस फीस देने के लिए 2 महीने की मोहलत देने की गुहार लगाई। वहीं कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला रखने का आश्वासन दिया। वहीं हिमाचल शराब ठेकेदार यूनियन का कहना है कि आपदा की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ठेकेदारों ने कहा कि पर्यटक हिमाचल नहीं आए हैं और आपदा के समय सेल में 60% की कमी आई है, जिसके चलते एक्साइज फीस देने में वो असमर्थ हैं। हिमाचल के हर बस अड्डे में बनेगा बेबी फीडिंग रूम, HRTC शुरू करेगा सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने बसों में सफ़र करने वाली महिलाओं के लिए सराहनीय पहल की है। प्रदेश में निगम के सभी बस अड्डों पर महिलाओं को बेबी फीडिंग रूम मुहैया रहेगा। शिमला के टूटीकंडी ISBT में फंडिंग रूम की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं महिलाएं बच्चों को बेहिचक स्तनपान करवा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी पुराने और नए बन रहे बस अड्डों में फीडिंग रूम बनेंगे। बता दें, मौजूदा समय में देश के चुनिंदा राज्यों में ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। सफ़र के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बच्चों को स्तनपान करवाने में असुविधा होती है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।